हाय, माय नेम इज दलवी। आई टीच इंजीनियर ड्राइंग। लेक्चर नंबर 9 में मैं आप लोगों के लिए अक्षर लेटरिंग मैं पढ़ाऊंगा। लेटरिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है इसमें, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्योंकि जब आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो वहाँ पर जब लेटर को आप लिखेंगे उसके अंदर, तो पर्टिकुलर एक समान ऊंचाई के होने चाहिए, एक समान हर चीज़ उसमें मोटाई के होना चाहिए। तो बेसिकली किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, दर्शाई गई सूचनाओं को प्रदर्शित अक्षरों से किया जाता है जाता है उसे लेटरिंग कहते हैं। देखो, लेटर जो आप बनाएंगे प्रॉपर इनकी डायमेंशन होना चाहिए। नंबर एक, प्रॉपर डायमेंशन होना चाहिए ऑफ लेटर। देखिएगा, मैं आपको ए से जेड तक सारे के सारे लेटर बना के दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से। एक वीडियो में तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन सारे के सारे वीडियो में लेक्चर में मैं प्रोवाइड करूंगा कि लेटर को ए से जेड तक किस प्रकार बनाते हैं, एक पॉइंट को अच्छे से समझ। नाउ, प्रॉपर डायमेंशन होना चाहिए। कौन, अब आप देखिएगा टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है कैपिटल केस, एक होता है लोअर केस। ठीक है, जो आप कैपिटल केस होते हैं इसमें भी दो होते हैं, एक होता है आपका वर्टिकल सिंगल स्टॉप, इसे लिख लेते हैं दो टाइप का लेटर, इस तरह से लिख लेता हूँ मैं, सिंगल स्ट्रोक एंड डबल स्ट्रोक। कैपिटल लेटर्स को प्रकाश लिखे जा सकते हैं सिंगल स्ट्रोक और एक डबल स्ट्रोक। देखो, आपके सिलेबस में सिर्फ कैपिटल लेटर्स ही यूज होते हैं, आपको लोअर केस से कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि ये भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगल स्ट्रोक और एक डबल स्ट्रोक। जो आपका सिंगल स्ट्रोक में दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर। दूसरा होता है इंक्लाइंड। एक बात याद रखिएगा, जो आपका वर्टिकल होता है उसमें 90 अंश का एंगल होता है, और जो इंक्लाइंड होता है 75 अंश का एंगल पाया जाता है। ठीक है, ये इसके टाइप्स हो गए लेटर के, कैपिटल केस लोअर केस। कैपिटल में दो टाइप होते हैं, सिंगल स्ट्रोक एंड डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक में वर्टिकल
और दूसरा इंक्लाइंड होता है। ठीक है, ये आपको लेटर के टाइप समझ में आ गए। लेटर क्या होता है, जो भी सूचना दर्शाई जाती है एक समान ऊंचाई अक्षरों से दर्शाई जाती है, उन्हें लेटर कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे लिए पढ़ना है। एक तो पढ़ना है वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर, इंक्लाइंड सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर। ठीक है, दो प्रकार के पढ़ना है। मैं आपको कुछ लेटर्स की डायमेंशन बता दूंगा, उनको अच्छे से याद कर लेंगे। बाकी के रिमेनिंग जितने भी लेटर्स बनते हैं उनकी एक ही डायमेंशन होती है। ठीक है, देखिएगा, आपके पास सबसे पहले जो आप लेटर पढ़ेंगे कौन सा, कैपिटल लेटर सिंगल स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया एंगल आपको कितने का होगा, 90 अंश का एंगल होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले दूसरा इसमें सिंगल स्ट्रोक यूज किया जाएगा। देखिएगा एक बार समझ लीजिएगा, सिंगल स्ट्रोक इस प्रकार से होते हैं, एक डबल स्ट्रोक इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये आपका डबल स्ट्रोक है, ये आपका कैसा है सिंगल स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक। आई थिंक आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक में अंतर। सिंगल स्ट्रोक होता है इसी को आपको बनाने हैं, डबल स्ट्रोक आपके सिलेबस में नहीं है ना लोअर केस आपके सिलेबस में, सिर्फ इसमें इंक्लाइंड और वर्टिकल वाले सिलेबस में है। तो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर में आपको बनाना सिखाऊंगा, भी ए से जेड तक सारे बनवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंगल लेटर के अंतर्गत आप लोगों के लिए कुछ लेटर का मैं डायमेंशन लगा दे रहा हूँ, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा इसमें जो आपका सभी लेटर को 7:4 में बनाएंगे, या 7:5 या फिर 7 या फिर 5:4 में बनाना। ठीक है, 7:4 में बनाइएगा या 5:4 में, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन कुछ लेटर हैं आपकी दिन जैसे आई, इसको 7:1 में बनेगा, जे 7:3 में बनेगा, एम 7:5 में बनेगा और डब 7:6 में बना लीजिए या 7 में बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप सारे के सारे लेटर्स बना लेंगे, ये इसके बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स के। नाउ अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा ए से जेड तक बनाएंगे। ठीक है, नाउ आप लोग जब सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर बनाएंगे तो उसमें 90 अंश होंगे। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा इस तरह से कोई भी 10, 12, 14 जो भी एम एम आपको लेना है 14 mm की लाइन खींच लीजिएगा और उस पर 7 भाग कर लीजिएगा। भाग करना आते हैं, भाग करना मैं आपको बता दूंगा। आप क्या करेंगे, 2-2 mm पर टिक कर लीजिएगा, 2-2 mm पर टिक कर लेंगे और 7 पैरेलल लाइन इस तरह से खींच लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से 45 mm का एंगल बनाइएगा और हल्की सी लाइन से, उसके बाद फिर 45 का एंगल बनाइएगा, यहाँ से 45 का एंगल बनाइएगा, फिर 45 का एंगल, 45, 45। ठीक है,
इस तरह से आप बना लेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर। इन पॉइंट्स को गहरा करके आप क्या कर लेंगे, लाइनिंग खींच लीजिए। इस तरह से लाइनिंग खींच लीजिएगा। इनके बीच में और है कितने का 45, ठीक है, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 45, 90 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सारे के सारे आप खींच लीजिएगा पॉइंट्स। ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स आपको अभी इस वीडियो में एक दो बना के दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया कि ये 7:4 होना, 7:4 बनाएंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 चार गिन लिए, एक पॉइंट यहाँ लगा लिया, एक पॉइंट यहाँ लगा लिया, ठीक है। 4 का आधा 2 2 पर आपका 2 ये रहा पॉइंट। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप मिलाइएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिलाइएगा। इसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ से जो दूसरे नंबर पर आता है वहां पर इसको मोटा धोसा कर दीजिएगा और ये आपका ए बन के तैयार होगा, ठीक है। एक खाना छोड़ दीजिएगा, फिर बी बनाइएगा। बी बनाने के लिए आपने सबसे पहले 7 7 का आधा 3 3:30 हो जाएगा, 1 2 3 3 का और 3 1 2 3 यहाँ पर 3:30 हो जाएगा। इसका 2 तक आप ले जाइएगा, ठीक है, और आपको 1 2 3 4 4 यहाँ तक जा रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आपके पॉइंट्स हैं वो आप अच्छे से मिलाइएगा, इस तरह से मिलाइएगा। इसके बाद ये ऊपर वाला ना थोड़ा छोटा होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, स्पेशली आप इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा ताकि स्पष्ट दिख जाए आपका बी, ठीक है। ये आपका बी बन गया। नाउ इसके बाद सी, एक छोड़ करके फिर सी पर भी सी अनुपात सी बी भी कितने बनेगा, 7:4 में सी भी 7:4 में देखिएगा। सी में यहाँ पर आप इस तरह से गिर लीजिएगा और इसके बाद में 4 में 1 2 3 4 इस तरह से आप बना लेंगे, 2 तक आप ले जाएंगे इसे 2 तक, 1 2 3 4 4 2 तक ले जाएंगे इसे। ये आपके पास में सी बन के तैयार हो गई है, ठीक है। इसके बाद डी, एक खाना छोड़ दीजिएगा, डी आप बनाइएगा, 1 2 3 4 4 आप बनाएंगे, ये थोड़ा सा यहाँ से 3 तक आप ले जाइएगा और ये इसके बाद 3 को ले जाने के बाद आप फिर राउंड करिएगा इस तरह से राउंड डी, ठीक है। तो 4 लेटर मैंने आपको बना के दिखा दिए, डी कितने बनेगा 7:4 तो आप ये लेटर भी ट्राई करिएगा किताब में देख करके अच्छे से। मैं आपको सारे के सारे और बातें दिखाऊंगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। आई थिंक आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लेटर बन रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग लेटर्स हैं उनको भी बना के अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो में ए कैसे बनाया था, सिंपल 1 2 3 4 4 पॉइंट लगाया ऊपर 2 पर क्योंकि 4 का आधा 2 हो जाएगा, मिला दिया। बी वाला ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा छोटा होगा और बी या नीचे वाला पूरा इसको टच करेगा। सी 2 2 पर पॉइंट लगा करके इसको बना लेंगे। डी पॉइंट्स को यहाँ पर लगभग 2 से आगे तक यहाँ तक स्ट्रेट ले जाएंगे, उसके बाद कर्व में बना देंगे इसको, ठीक है। और थैंक यू, ए बी सी डी आपको लेटर मैंने आपको बनाने सिखा दिए, बनाना सिखा दिए अच्छे से, देख लेना बनाना, प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगी।
Now thank you for watching this video. And anybody problem for this letter sub points में तो आप मुझसे अच्छे से मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.